नमस्कार, मैं मोनिका राणा, ये है जागो हिमाचल 365, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल में 14 जून से परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में होगा निर्णय। सीएम जयराम ठाकुर ने हर मंत्री की परफॉर्मेंस पर जेपी नड्डा से की चर्चा। हिमाचल में 52 दिनों बाद एक दिन में सबसे कम 15 कोरोना संक्रमितों की मौत, 567 ने पॉजिटिव। हिमाचल में युवाओं को 14 जून से लगेगी वैक्सीन, सरकार को 49,350 खुराकें मिली। पद्मश्री अवार्ड मिल्खा सिंह की देखभाल कर रही हिमाचल की डॉक्टर शिवानी। किसानों बागवानों को अब बोतल में मिलेगी नैनो यूरिया खाद। मरीजों को राहत, टांडा अस्पताल में शुरू हो गई सभी ओपीडी। गुड़िया मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई 15 जून तक टली। हजारों जिंदगियां बचाने वाले मशहूर वैद्य वरुड़ू राम का दिल का दौरा पड़ने से निधन। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 13 जून तक कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल को मिलेगी 280 करोड़, केंद्र सरकार देगी जीएसटी कंपनसेशन, दो दिन के भीतर आएगा पैसा। डलहौजी का नाम बदलने का वक्त आ गया, वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने राज्यपाल और सीएम को लिखा पत्र। संसारपुर टेरेस में जले दो ट्रक, लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से सुलगी चिंगारी ने बरपाया कहर। गर्मियों में टारगेट से ज्यादा बिजली उत्पादन, प्रदेश में इस बार 19.504 एएमयू यूनिट अधिक हुआ उत्पादन। अब खरीद केंद्रों में ही होगी सेव की छंटनी, खराब सेव नहीं जाएंगे परवाणु, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचाएगी सरकार। इस बार नरी वैल्यूएशन, पिछले वर्ष की परीक्षाओं को आधार बनाकर प्रमोट किए जाएंगे छात्र। मंडी उपचुनाव की सियासी खिचड़ी लगी पकने, सीएम के दिल्ली दौरे से गरमाई राजनीति, महेंद्र सिंह के दौरों पर अटकलें तेज। शिमला पहुंचे कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त, 13 तक चलेगी मीटिंग्स का दौर। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दो टूक, मैं आज भी यहां 2022 में भी रहूंगा। इंग्लैंड में विराट ब्रिगेड को बड़ी राहत, WTC फाइनल के बाद मिलेगा 20 दिन का ब्रेक। लियोनेल मेसी को पछाड़ छेत्री ने बनाया रिकॉर्ड, सर्वाधिक गोल के मामले में अब सिर्फ रोनाल्डो से पीछे। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में 14 जून से परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में होगा निर्णय। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 14 जून से परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों परिचालकों को स्टेशन पर पहुंचने, बसों की मरम्मत और दिन में एक बार बसों को स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। 11 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा के बाद फैसला ले सकते हैं। करीब 2 महीने से परिवहन निगम की बसें खड़ी हैं, इससे निगम को 120 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में परिवहन निगम के पास 3100 बसें हैं, इतनी ही निजी बस ऑपरेटरों के पास हैं। निजी बस ऑपरेटर टैक्स माफ करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, हालांकि सरकार ने इनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। निगम प्रबंधन की माने तो बसें खड़ी रहने से करीब 150 करोड़ का नुकसान अब तक निगम को हो चुका है। निगम का कोष खाली हो गया है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने हर मंत्री की परफॉर्मेंस पर जेपी नड्डा से की चर्चा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने हर कैबिनेट मंत्री की परफॉर्मेंस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से चर्चा की है। सोमवार रात को जयराम ने उन्हें मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सौंपा। नड्डा मंत्रियों, विधायकों और संगठन नेताओं के कामकाज, सरकार और संगठन के प्रदर्शन के बारे में पहले से ही जानकारी जुटाए बैठे थे। उन्होंने सीएम को सबको चुस्त करने के टिप्स दिए। आगामी लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव तथा अगले वर्ष के आम चुनावों को लक्षित कर भी उन्होंने सीएम को जरूरी निर्देश दिए। मंगलवार को शिमला पहुंचकर जयराम ठाकुर ने जब ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश की हर छोटी बड़ी बात का पता है, इसके बाद कई मंत्रियों और संगठन के नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। सीएम की कुर्सी सुरक्षित मानकर कई नेताओं को अब अपनी चिंता सताने लगी है। परफॉर्मेंस अच्छी न होने पर फेरबदल की भी आशंका है। सोमवार रात को सीएम की नड्डा से मुलाकात 10:30 के बाद आधी रात तक चली। सूत्रों के अनुसार इस मौके पर सीएम ने कोविड संकट में प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा की।
वहीं उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों की कार्यशैली पर भी चर्चा की। गौरतलब है कि प्रदेश में कुछ मंत्री कोविड काल में कम सक्रियता के चलते विपक्ष के भी निशाने पर चल रहे हैं, कुछ फील्ड में कभी कभार ही नजर आ रहे हैं। जयराम ने सोशल मीडिया की अफवाहों को खारिज कर वर्ष 2022 तक सीएम बने रहने के अपने ऐलान और मंत्रियों से काम लेने की बात कर जाहिर किया है कि कौन क्या कर रहा है। नई दिल्ली में इसकी केंद्रीय नेतृत्व को सब जानकारी है। हिमाचल में 52 दिनों बाद एक दिन में सबसे कम 15 कोरोना संक्रमितों की मौत, 567 नए पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 52 दिनों बाद एक दिन में सबसे कम 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 21 अप्रैल को प्रदेश में 16 संक्रमितों की मौत हुई थी। इसके बाद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। मंगलवार को चंबा जिले में 4, कांगड़ा 3, शिमला 3, हमीरपुर 3 और सोलन में भी 2 संक्रमितों ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में 567 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में सबसे ज़्यादा 149, मंडी 105, चंबा 53, कुल्लू 51, ऊना 47, सोलन 37, शिमला 34, हमीरपुर 38, बिलासपुर 19, सिरमौर 17, लाहौल स्पीति 11 और किन्नौर में 6 मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 1155 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 196,351 पहुँच गया है। इनमें से अब तक 186,033 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 6,983 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,312 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना की जांच के लिए 21,621 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश के 11 जिलों में सक्रिय मामले 1,000 से नीचे हैं। कांगड़ा ही अब तक 1,000 से अधिक सक्रिय केस हैं। हिमाचल में युवाओं को 14 जून से लगेगी वैक्सीन। सरकार को 49,350 खुराकें मिली। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल आयु वर्ग यानी कि युवाओं को सोमवार 14 जून से फिर वैक्सीन लगने शुरू हो जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से मंगलवार को 49,350 वैक्सीन की डोज भेजी गई है। टीका लगवाने के लिए पूर्व की ही तरह 2 दिन पहले स्लॉट बुक करने होंगे। प्रदेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट में ये वैक्सीन बुक कराई थी। अब राज्य को केंद्र सरकार से निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध होगी। अभी प्रदेश को 11 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की डोज अगली 3 किश्तों में 2 जुलाई तक और मिलेगी। वैक्सीन की कमी के चलते 31 मई से राज्य में 18 प्लस वालों के लिए टीकाकरण बंद है। युवा भी वैक्सीन लगाने के इंतजार में हैं। NHM हिमाचल के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 1,67,000 वैक्सीन की डिमांड भेजी गई थी। अन्य बची हुई वैक्सीन भी जल्द राज्य को मिल जाएगी। वही 21 जून से केंद्र सरकार से राज्य को फ्री वैक्सीन मिलना भी शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि राज्य को अभी तक 3 बार 18 से अधिक आयु वर्ग वालों को और वैक्सीन मिलनी है। इसमें 16 जून को 40,980 की खेप मिलेगी, 26 जून को 49,350 डोज मिलेगी और 2 जुलाई को 27,500 डोज मिलेगी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के पास 11,07,830 डोज आने वाले समय में और पहुंचेगी। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी, दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वॉचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा, मैं हूं अनुराग, मैं शिल्पा शर्मा, मैं मोनिका राणा, मेरा नाम है आशीष, मैं पूजा धीमान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। पद्मश्री अवार्डी मिल्खा सिंह की देखभाल कर रही हिमाचल की डॉक्टर शिवानी। पद्मश्री अवार्ड मिल्खा सिंह की देखभाल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाली कोरोना वॉरियर डॉक्टर शिवानी चंदेल कर रही है। डॉक्टर शिवानी चंदेल PGI चंडीगढ़ में मेडिसिन विभाग में विशेषज्ञ के पद पर सेवारत हैं। इसी अस्पताल में भारत के सबसे तेज धावक रहे मिल्खा सिंह उपचार के लिए भर्ती हैं। शिवानी चंदेल ने स्कूल स्तर के शिक्षा हमीरपुर के एक निजी स्कूल में ग्रहण की।
इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा से MBBS की पढ़ाई की। MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक हमीरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊल में सेवाएं दी। इसी बीच उनका चयन PGI चंडीगढ़ में स्नातकोत्तर के लिए हो गया। यहां पर MD मेडिसिन की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर शिवानी चंदील PGI चंडीगढ़ में ही सेवाएं दे रही हैं। वे YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को विभिन्न बीमारियों के लक्षण और उनसे बचाव समेत स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करती रही हैं। डॉक्टर शिवानी चंदेल की माता बीना कपिल हमीरपुर नगर परिषद और चबूतरा जिला परिषद वार्ड के पार्षद रह चुकी हैं। किसानों बागवानों को अब बोतल में मिलेगी नैनो यूरिया खाद। हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों को अब तरल नैनो यूरिया खाद भी मिलेगी। अब खेतों और बगीचों में यूरिया की बोरी नहीं बल्कि बोतल में भरकर तरल खाद पहुंचाई जाएगी। 40 किलो बोरी की जगह अब 500 ml यानी आधा लीटर तरल खाद बोतल में मिलेगी। जहां 40 किलो की बोरी एक एकड़ जमीन में इस्तेमाल होती है, वैसे ही एक बोतल नैनो यूरिया 215 लीटर पानी में मिलाकर भी एक एकड़ जमीन में डाली जाएगी। इससे फसल पैदावार तो बढ़ेगी ही, प्रदूषण से भी बचेंगे और माल भाड़ा भी सरकार और किसानों का कम होगा। एक माह के भीतर किसानों बागवानों को तरल यूरिया खाद मिलनी भी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में हर साल करीब 42,000 टन इफको यूरिया खाद की आपूर्ति करते हैं। इफको के क्षेत्रीय अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय सहित फील्ड में नैनो यूरिया के कुल 312 सफल परीक्षण हो चुके हैं। इनके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। प्रदेश के किसानों और बागवानों को एक माह के भीतर नैनो यूरिया की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इस यूरिया से 7% अतिरिक्त फसल हासिल की जा सकती है। मरीजों को राहत, टांडा अस्पताल में शुरू हो गए सभी OPD। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आते ही अब अस्पतालों में OPD की व्यवस्था शुरू हो गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में भी लंबे समय बाद करीब सभी OPD शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार पहले टांडा मेडिकल कॉलेज में बने मेकशिफ्ट अस्पताल में कोविड मरीजों के उपचार के लिए ज़्यादातर डॉक्टर ड्यूटी दे रहे थे। इस कारण टांडा में ज़्यादातर OPD बंद पड़ी थी और कोरोना के अलावा अन्य मरीजों को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ रहा था। टांडा अस्पताल में केवल इमरजेंसी में ही मरीजों को देखा जा रहा था, मगर अब अस्पतालों और जिला कांगड़ा में कोरोना के मामलों में भारी कमी आई है। अस्पतालों में भी अब बेहद कम संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है, जिस कारण अब डॉक्टर फिर से अस्पताल में अन्य मरीजों की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस समय टांडा मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन, ऑर्थो, बच्चों, ENT आदि की OPD शुरू की जा चुकी है। गुड़िया मामले में दोषी के सजा पर सुनवाई 15 जून तक टली। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए नीलू की सजा पर सुनवाई मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू के चलते 15 जून तक टल गई है। गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में CBI की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल उर्फ नीलू को शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। अब दोषी की सजा पर फैसला होना बाकी है। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल है, इस कारण फिर इस मामले की सुनवाई 15 जून तक टल गई है। बता दें, जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदे के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा धीमान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। हजारों जिंदगियां बचाने वाले मशहूर वैद्य बरडू राम का दिल का दौरा पड़ने से निधन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरका घाट के तहत आने वाले भांबला पंचायत के बतैल के निवासी प्रसिद्ध वैद्य बरडू राम का निधन हो गया है। वे 96 वर्ष के थे। बरडू राम के निधन से हर कोई सदमे में है।
बता दें कि दिवंगत वर्णुराम मात्र 15 साल की आयु से आज तक वैद्य के रूप में गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों की सेवाएं कर रहे थे और आज तक हजारों लोगों को नई जिंदगी दी। वह लकवा व पेट से संबंधित बीमारियों के रोगियों का बहुत ही कारगर इलाज करते थे। जिला मंडी ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कई जिला और बाहरी राज्यों से भी उनके पास लोग इलाज करवाने के लिए पहुंचते थे। दिवंगत वैद्य के 5 पुत्र हैं जो बड़े ओहदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैद्य वर्णु राम के निधन पर क्षेत्र के विधायक कर्नल इंद्र सिंह, समाजसेवी एवं जप सदस्य चंद्रमोहन शर्मा, राष्ट्रीय किसान संगठन के तहसील अध्यक्ष प्रकाश शर्मा, जिप सदस्य मनीष शर्मा ने उनके निधन पर शोक जताया। अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट के लिए 13 जून तक कर सकेंगे आवेदन। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जून तक किए जा सकते हैं। 8 विषयों JBT, TGT, आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल, LT, शास्त्री, पंजाबी व उर्दू की परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 मई से शुरू हुई थी। ऐसे में बिना विलंब परीक्षा शुल्क आवेदन करने का मौका 13 जून तक है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि अगर कोई परीक्षार्थी निर्धारित तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई नहीं करता है तो ऐसे परीक्षार्थियां 14 जून से 18 जून तक विलंब शुल्क के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अप्लाई करते समय अगर किसी परीक्षार्थी से उसके भरे गए विवरणों में त्रुटि हुई होगी तो ऐसे परीक्षार्थी 19 जून से 21 जून तक स्वयं ऑनलाइन शुद्धि कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को कैटेगरी व सब कैटेगरी में ऑनलाइन शुद्धि करने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फीस प्रभावित होती है। अगर किसी अभ्यर्थी को कैटेगरी व सब कैटेगरी में शुद्धि करवानी हो तो वो बोर्ड कार्यालय में निर्धारित तिथियों के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन भी वर्णों में लाइन शुद्धि के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया है उन भी वर्णों में किसी भी प्रकार के पत्राचार व ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा। हिमाचल को मिलेंगे 280 करोड़, केंद्र सरकार देगी GST कंपनसेशन, 2 दिन के भीतर आएगा पैसा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार GST कंपनसेशन की 280 करोड़ की राशि हिमाचल को जारी करेगी। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई मुलाकात में मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अगले 1-2 दिन में यह पैसा राज्य को मिल जाएगा। CM ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2021 में सभी राज्यों को 18 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा सीधी खरीद की 25% वैक्सीन की व्यवस्था जारी रखने के निर्णय से निजी अस्पतालों के माध्यम से अधिक लोगों को तय कीमतों पर टीकाकरण सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समय अवधि इस वर्ष नवम्बर तक बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस योजना के माध्यम से महामारी के समय में हर महीने निशुल्क राशन प्रदान करने से देश के 80 करोड़ से अधिक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य को वित्त वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए भारत सरकार से देय GST मुआवजों का मामला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उठाया। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा, मेरा नाम है आशीष, ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। डलहौजी का नाम बदलने का वक्त आ गया। वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने राज्यपाल और CM को लिखा पत्र। चंबा के बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल डलहौजी का नाम बदलने की चर्चा इन दिनों परवान पर है। हाल ही में जहां भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने डलहौजी का नाम बदलने का मुद्दा उठाया था तो वहीं अब वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार भी इसमें कूद गए हैं। शांता कुमार ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 1992 में भाजपा सरकार के निर्णय को पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो डलहौजी का नाम बदलने का अध्यादेश लाया गया था, परंतु उसके बाद कांग्रेस ने उसे रद्द कर दिया। डलहौजी तीन महान पुरुषों की याद से जुड़ा है। प्रसिद्ध साहित्यकार नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर डलहौजी आए थे और अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि का कुछ भाग यहीं लिखा था। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस डलहौजी आए थे और कुछ वक्त यहीं गुजारा। विदेश जाकर आजाद हिंद फौज के गठन का क्रांतिकारी विचार पर उन्होंने डलहौजी में आत्ममंथन कर निर्णय किया था। शहीद भगत सिंह के चाचा और प्रसिद्ध क्रांतिकारी अजीत सिंह भी डलहौजी रहे और यहीं पर उनका निधन हुआ। इन तीनों महान पुरुषों के स्मारक डलहौजी में बने। शांता कुमार ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस मकान में रहे, सरकार उसका अधिग्रहण कर एक भव्य स्मारक बनाए। संसारपुर टेरेस में जले दो ट्रक, लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से सुलगी चिंगारी ने बरपाया कहर। पुलिस चौकी संसारपुर टेरेस के अंतर्गत दी ट्रक यूनियन में सोमवार रात दो ट्रकों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गनीमत रही कि इसमें जाल माल का कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सोमवार रात 11 बजे एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जबकि ड्राइवर गाड़ी में ही सो रहा था। फैक्ट्रियां पास होने के कारण आग बुझाने के लिए ड्राइवर ट्रक को यूनियन की तरफ ले आया, परंतु आग के कारण ट्रक में धुआं बढ़ने से ट्रक दूसरी खड़ी गाड़ी से टकरा गया, जिससे दोनों ट्रकों में आग लग गई। सूचना मिलने पर संसारपुर टेरेस पुलिस हेड कांस्टेबल अशोक कुमार व राजेश कुमार ने टीम संग मौके पर पहुंचकर आसपास खड़ी सभी गाड़ियों को वहां से हटाया। संसारपुर टेरेस व तलवाड़ा फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। डीएसपी देहरा अंकित शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। विद्युत परिषद बोर्ड के उत्पादन विंग में मई माह में निर्धारित की गई लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ है। गांव में प्रोजेक्टों की टर्बाइनें खूब घूमी हैं। गर्मी के मौसम में बर्फ ग्लेशियरों से पिघलने का पानी की आवक में काफ़ी इजाफा हुआ है। नतीजन बिजली का उत्पादन में वृद्धि हुई है। मई महीने में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न बिजली उत्पादन के सब स्टेशनों के पावर प्रोजेक्टों को 183.77 UMU यूनिट का उत्पादन करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 203.174 AMU यूनिट अधिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पावर प्रोजेक्टों में बिजली बोर्ड को हुआ है, जो कि तय की गई लक्ष्य 19.504 AMU यूनिट से अधिक है। अब खरीद केंद्रों में ही होगी सेब की छंटनी, खराब सेब नहीं जाएगा परवाणु ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब के लगभग 4 करोड़ पेटियों के उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले साल प्रदेश में 3 करोड़ पेटियों का उत्पादन हुआ कोरोना काल में, हालांकि पिछले साल भी सेब के सीजन पर प्रभाव पड़ने की संभावनाएं देखी जा रही थी, क्योंकि यहां पर लेबर व ट्रकों की कमी थी, मगर फिर भी सीजन कैसे निकला पता ही नहीं चला। ऐसे में इस बार जब कोरोना की दूसरी लहर आई, उसमें सेब सीजन प्रभावित ना हो, इस पर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बागवानी विभाग ने इस बार के सेब सीजन के लिए पहले से कुछ तैयारियां कर ली हैं। कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं ताकि सरकार को नुकसान ना हो। सरकार ने तय किया है कि इस बार HPMC द्वारा प्रोक्योर किए जाने वाले सेब की छंटनी उसकी खरीद केंद्रों में ही कर दी जाएगी। सालों से खरीद केंद्रों पर सेब खरीदा जाता है और उसे सीधा परवाणु संयंत्र भेज दिया जाता है, जहां पर सेब की छंटनी होती है, और वहां खराब सेबों को फेंक दिया जाता है। जो सेब ठीक होता है उसे वापस लाया जाता है। ऐसे में सेब को यहां से ले जाने और वापस लाने में ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी खर्चा आ जाता है, इसलिए अब फैसला लिया गया है कि सेब को उनके प्रमाण केंद्रों में ही छांट लिया जाएगा। शिमला जिला में काफ़ी संख्या में प्रापण केंद्र स्थापित किए गए हैं, वहीं कई दूसरे क्षेत्रों में प्रापण केंद्र बनाए जाते हैं। इस बार ना रीचेकिंग ना रिवैल्यूएशन, पिछले वर्ष की परीक्षाओं को आधार बनाकर प्रमोट किए जाएंगे छात्र। कोरोना महामारी ने एजुकेशन सिस्टम में भी कई बड़े परिवर्तन कर दिए हैं। छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं और पिछले वर्ष की परीक्षाओं को आधार बनाकर भी छात्र प्रमोट किए जाएंगे। इस बार फाइनल अंक व रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों के पास रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का कोई मौका उपलब्ध नहीं रहेगा। वहीं इस बार छात्रों का मूल्यांकन उनके शिक्षकों व स्कूलों द्वारा ही किया जाएगा। हालांकि कोरोना की हालात सामान्य होने पर छात्रों को किसी भी प्रकार का संदेह होने पर परीक्षाएं देने का मौका उपलब्ध रहेगा। बिना ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट TOC के 2413 छात्र और इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के 2470 छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसके लिए कोविड के नियंत्रण होने के बाद सुचारू रूप से गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं संचालित करवाई जाएंगी। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मैं शिल्पा शर्मा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा धीमान।
ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।